सत श्री अकाल जी, मेरा नाम विपुल उज्जवल है अते मैं स्टेट कंट्रोल रूम कोविड का मैंबर हाँ। करोना वायरस के संबंध में पंजाब विच पैदा हुई स्थिति बारे जानकारी देने का आज छेवां दिन है। WHO अनुसार यह बीमारी विश्व विच 5,09,164 लोगों संक्रमित कर चुकी है अते 23,335 लोगों की मौत का कारण बनी। हुण तक भारत में 724 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं जिन्हां विचों 17 लोगों की मौत हो चुकी है। इस स्थिति नजिठण लई अते वायरस नूं फैलण तों रोकण लई पंजाब सरकार ने इस बीमारी के विरुद्ध निगरानी अते नियंत्रण नूं होर मजबूत किया है, जिस दे चलते पूरे सूबे तो 898 सैंपल टेस्टिंग लई भेजे गए हैं, जिन्हां विचों 596 सैंपल नैगेटिव पाए गए हैं, कुल 38 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इत्थे यह भी दसना जरूरी है कि पिछले दिन एक COVID-19 का मरीज ठीक भी हो चुका है। इस स्थिति नूं नियंत्रित करन लई पंजाब सरकार वल्लों काफ़ी सारे कदम चुके गए हैं, जिवें 2 हेल्पलाइन 104-104 अते 112-112 शुरू की गई हैं। पहली हेल्पलाइन 104 ते तुसी मेडिकल इमरजेंसीज दे बारे पूछ सकते हो, दूजी हेल्पलाइन 112 करफ्यू संबंधी जानकारी अते होर मिसलेनियस जानकारी दे लई इस्तेमाल की जा सकती है। ये दोनों हेल्पलाइन दिन रात काम करती हैं अते इना ते कल साडे कोल लगभग 20,000 कॉलां प्राप्त हुई हैं। इत्थे पंजाब सरकार समुचे लोगों का सहयोग चाहती है अते अपनी जिम्मेदारी नूं समझते हुए सारियां नूं रिक्वेस्ट करती है, खास तौर पर विदेशों तो आए लोगों नूं निवेदन करती है कि ए जे ओ मिति 1 फरवरी 2020 तो बाद विच पंजाब पहुंचे हैं तो इसकी जानकारी तुरंत 112 हेल्पलाइन ते देन। मैं रिपीट करता हाँ, जे ओ मिति 1 फरवरी 2020 तो बाद पंजाब पहुंचे हैं बाहर के मुल्कां तो उसकी जानकारी 112 हेल्पलाइन ते तुरंत अपडेट करन। अजिहा ना करन दी सूरत उन्हां दे विरुद्ध बनती कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस तो अलावा इस बीमारी के नियंत्रण लई कुल 5 हस्पतालों की पछाण की गई है। राजेंद्र हस्पताल पटियाला, सिविल हस्पताल जलंधर, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज अते हस्पताल मनूर, जिला हस्पताल SBS नगर अते एडवांस कैंसर केयर सेंटर बठिंडा। डॉक्टर गगनदीप सिंह गरेवाल नूं नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस तो अलावा COVID-19 दे सैंपलों की टेस्टिंग दे लई 3 लैबां की शिनाखत की गई है। इहदे च PGI MER चंडीगढ़, गौरमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला अते गौरमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, इन्हां तीनों लैबां च लगभग एक दिन च 300 टेस्ट किए जा सकते हैं। इस तो अलावा पंजाब सूबे में समुची मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, जिवें सरकारी अस्पतालों में एकांतवास लई 16,905 बैड उपलब्ध हैं, लगभग 28 सरकारी अस्पतालों में 3,000 आइसोलेशन बैड उपलब्ध हैं, सरकारी अते प्राइवेट अस्पतालों मिलाकर 575 ICU बैड उपलब्ध हैं अते सरकारी अते प्राइवेट अस्पतालों में मिलाकर 332 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। पूरे पंजाब सूबे करफ्यू लग्या हुआ है अते करफ्यू की उल्लंघना करने वाले खिलाफ कुल 443 FIR दर्ज की गई हैं, 731 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। करफ्यू को सख्ती नाल लागू करने 61 वाहनों के चलान भी कटे गए हैं। मानजो मुख्यमंत्री पंजाब साहब के हुक्म हेठ खुराक सिविल सप्लाई और खपतकार मामले विभाग वालों 10 किलो आटे के पैकेट अते एक एक किलो खंड के 2,00,000 पैकेट तैयार किए गए हैं जो कि लोड़वंद व्यक्तियों नूं वंडे जा रहे हैं। इस तो अलावा पंजाब बिल्डिंग अते होर निर्माण कर्मचारी भलाई बोर्ड कोल रजिस्टर होए लोगों नूं लगभग 3,000 रुपये प्रति महीना राशि प्रदान की जा रही है जो उन्हां दे खाते च सीधी आऊगी।
इस तो अलावा पंजाब मुख्यमंत्री कोविड राज फंड की भी स्थापना की गई है, जिस दे राही आर्थिक तौर पर कमजोर व्यक्तियों की इस बीमारी के दौरान मदद की जाऊगी। मैं आप सारिया नू बेनती करता हाँ कि इस फंड च खुल दिली नाल सहयोग पाण। अंच मैं सारिया नू निवेदन करता हाँ कि यह जिहड़ी बीमारी है यह सारिया के सहयोग नाल ही इसते आपां ठल पा सकते हैं। इनू नजिठण लई सारिया का एक्टिव सहयोग जरूरी है। मैं सारिया तो आज तक किए गए सहयोग लई धन्यवाद कहना हाँ ते आस करता हाँ कि आगे भी आप इस तरह मिलजुल कर इस बीमारी नू लड़न लई तैयार रहांगे। धन्यवाद। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।